नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये नोटिफिकेशन नहीं कन्फ्यूजन का जंजाल है। बच्चे इतना परेशान हैं, मेरे हर वीडियो पे कमेंट आ रहा है। एक समस्या का समाधान बता रहा हूं, दूसरी समस्या बच्चों के सामने आती जा रही है। और सच में ये बीपीएससी के चेयरमैन ने क्या गजब का खेला है, क्या अनक्लियर नोटिफिकेशन भेजा है कि बच्चे बेचारे परेशान हो गए। भाई इसको कम से कम इतने दिन आपको लग गए नोटिफिकेशन निकालने में, कम से कम पॉइंट अच्छे से क्लियर तो कर देना चाहिए था। ठीक है, तो जो भी बच्चे भाई प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, तो टीम परीक्षा प्लस आपको निशुल्क कोर्स चला रही है। आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके वहां से जुड़ सकते हैं। वीडियो क्लासेस हमारी एकदम निःशुल्क है, लेकिन जिन बच्चों को पीडीएफ पूरा लेना है, प्राइमरी का पूरा पीडीएफ प्राप्त करना है, नोट्स ईबुक लेना है, वो नाममात्र का शुल्क पे करके हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ईबुक प्राप्त कर सकते हैं मात्र 399 रुपए में। आप सभी परीक्षा प्लस ऐप से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहां पर आपका जो भी डाउट है, जो कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करना मेरा मकसद है। किसी भी, चाहे वो सही हो, किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, जहां पे आयोग की गलती है वो मैं बोलूंगा कि ये गलती आयोग ने किया है, इसको सुधारना होगा। तो अगर हम बात करें प्राइमरी के लिए, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, आहार्ता मैक्सिमम लोगों को क्लियर है, लेकिन अब यहां बात आ जाती है उन बच्चों के लिए जो टेक्निकल हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, बीबीए किए हुए हैं। बीबीए तो भी टेक्निकल में नहीं आता है, लेकिन जहां तकनीकी शब्द यूज कर लिया जाता है तो वहां तो कई चीजें आ जाएंगी ना। वहां आपका आईटीआई भी आ जाता है, वहां डिप्लोमा भी आ जाता है, कई भी चीजें आ जाती। तो भाई आपको क्लियर कट लिखना चाहिए था कोई भी चीज। ठीक, तो यहां पर मेन मकसद यह है, बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर मैंने बीटेक किया है, सीटेट भी मेरा क्वालिफाई है, पेपर वन क्वालिफाई है, तो क्या मैं प्राइमरी का टीचर बन सकता हूं। ऐसे ही सर मैंने बीसीए किया है, सीटेट क्वालिफाई है, क्या प्राइमरी का टीचर बन सकता हूं कि नहीं। अब इसका कई जगह बच्चों को अलग अलग यूट्यूब पे अलग अलग लोग बता रहे हैं, कुछ लोग साफ साफ मना कर दिए हैं। मैं आपको बस एक कुछ ठोस सबूत दूंगा और बताऊंगा कि क्यों ये एलिजिबल नहीं होगा। अगर आयोग ने ये मान के वो पॉइंट लिखा है अपने नोटिफिकेशन में, जो पॉइंट उन्होंने किया है, तो ये सरासर गलत है। इस पर आपको आवाज उठानी पड़ेगी, और ये हर राज्यों में मान्य है। तो बिहार अपने आप को एडवांस समझ रहा है क्या? बिहार में इतना एडवांसमेंट है कि वो उनको नहीं एलिजिबल करेगा। चलिए बात करते हैं पहले हम पॉइंट पे, जो आहार्ता के पॉइंट है आपके जो दिए गए हैं। बच्चों आपको कहीं क्लियर नहीं होगा, यहां साफ साफ बोला गया है कि ये एक तो ये बात है कि आप लोग वीडियो देख के कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर मैं हरियाणा से हूं तो मैं भर सकता हूं। भाई ये पूरी वैकेंसी सिर्फ बिहार के निवास प्रमाण पत्र जिसके पास भी हो, चाहे आप इंडिया के किसी कोने में हो, अगर आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र है तो आप एलिजिबल हो। मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। यहां 1 से 5 के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, बोला है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए, मतलब 10+2 आपका कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स इसमें होना चाहिए, और इसके साथ आपका क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, चाहे वो कहीं से भी आपने किसी भी नाम से बीटीसी, ठीक है, डीएलएड जो भी नाम होता हो उससे क्यों, कोई मतलब नहीं, ये वाले आप भर सकते हैं फॉर्म। तो ये एक बात ध्यान रखना, एक कंफ्यूजन तो यहां क्लियर हो गई कि जो बच्चा, एक तो कंफर्म है, एक चीज तो कंफर्म है कि भाई जिसने भी बीटेक किया होगा उसने 10+2 तो किया होगा, डायरेक्ट तो बीटेक कर नहीं लिया होगा। 10+2+ अगर आप डीएलएड है, अगर बीटेक के साथ कोई डीएलएड किया है, ठीक है, बीटेक के साथ कोई डीएलएड किया है, वो तो मान्य हो गया इनडायरेक्टली। कैसे? 10+2 तो उसका हो गया और ये डीएलएड किया है, 50% उसका होगा ही होगा। आप मैक्सिमम सबका 50% होता है भाई, 12वीं 50% सबका होता है।
और डीएलएड किया है तो वो तो भाई एलिजिबल है ही है प्राइमरी के लिए, समझ रहे हैं मेरी बात को, उसका ग्रेजुएशन यहां पे आ गया, बीटेक कोई मतलब नहीं, लेकिन वो एलिजिबल हुआ कि नहीं हुआ, ये बंदे भी हैं, तो भैया आप एलिजिबल हो कोई परेशान मत हो, कोई इसको जो पॉइंट दिया है आयोग के चेयरमैन ने एकदम सटिया गया है, सही बता रहे हैं, पक्का सटिया गया है, आ जाओ। हाँ, बाकी ये 45% वाली न्यूनतम आहारता जो अलग केस के लिए होती है, अब उसके बाद से देखो 50% के साथ 10+2 और बीएलएड बोलता है, 4 साल का एक बीएलएड होता है वो अगर आपके पास है तभी भी आप एलिजिबल हो, 50% के साथ 10+2 आपका अगर 50% के साथ, थोड़ा उसके समकक्ष बोला, इसके समकक्ष भी जो होता है जैसे पॉलिटेक्निक भी समकक्ष ही माना जाता है, शिक्षा शास्त्र में जो विशेष शिक्षा में द्विवर्ष का डिप्लोमा हो, अगर आपने कोई 2 साल का डिप्लोमा किया है, मतलब शिक्षा शास्त्र में जो है डिप्लोमा कोई भी 2 साल का किया है तो वहां पर भी आप एलिजिबल होंगे। फिर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, मतलब आप ग्रेजुएट के साथ कोई भी ग्रेजुएशन है आपके पास और आपके पास क्या है डीएलएड है तो आप मान्य हुए, तो बीटेक भी ग्रेजुएशन होता है और डीएलएड भी है, और ऐसे भी नहीं होता तो 10+2 के साथ तो डीएलएड होता है ना, तो वही बोल रहा है कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से भी जाना जाए वो भी एलिजिबल है, मतलब फालतुए के लिखा हुआ है, जब भाई स्नातक होगा तो 10+2 के अकॉर्डिंग तो होगा ही डीएलएड, वो 50% अंकों के साथ स्नातक में शिक्षा स्नातक, मतलब 50% आपका किसमें हो ग्रेजुएशन में हो और उसके बाद आपका क्या हो बीएड हो, तो ये वाले बीएड वाले तो आपके एलिजिबल हैं जो ग्रेजुएशन के साथ बीएड किए हैं, 50% अगर उनका ग्रेजुएशन में है। नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है वो 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ पीजी हो, ठीक है, पीजी में आपका 55% हो और आपका 3 ईयर का क्या हो बीएड एमएड हो, बीएड एमएड हो तो वो भी आपका एलिजिबल होगा। अच्छा यहां पे आ जाओ, कुछ चीजें आपका दी गई, ये ब्रिज कोर्स के बारे में बताया है वो तो मैंने बता दिया कि अगर आप बीएड होकर जाते हो तो आपको नियुक्ति के बाद एक ब्रिज कोर्स 6 महीना का करना पड़ेगा जो बीएड वाले होते हैं, ठीक है, ये बात की गई है। यहां पे आ जाओगे थोड़ा सा आप लोग तो यहां एक देखो उदाहरण के तौर पर मैं भी इसको आऊंगा बाद में बताऊंगा, यहां एक चीज देखना, यहां बोला 1 से 5 तक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता करते हो एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, मतलब ये पॉइंट ये बता रहा है कि अगर आप बीएड के अंतिम वर्ष में हैं और जो आप एग्जाम आपका ये लग रहा है कि आप एग्जाम में बैठ जाओगे और आपका एग्जाम 31/8/2023 तक हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो। लेकिन यहां बच्चा एक चीज और, कई बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट क्वालिफाई नहीं है प्राइमरी किसी कारणवश, तो वो कह रहे हैं सर मैं सीटेट जो जुलाई वाला दूंगा, सीटेट जो जुलाई वाला दूंगा तो मेरा मान लीजिए 20 जुलाई को पेपर हो जाता है, ठीक है, 20 जुलाई को पेपर हो जाता है और 1 महीना बाद 20 अगस्त को मेरा रिजल्ट आ जाता है तो मैं तो पास हो गया सीटेट, 31/8 तक ये चाहिए ना, लेकिन इनके नोटिस के अकॉर्डिंग ऐसा कहीं सीटेट के बारे में नहीं लिखा है, इन्होंने सिर्फ बीएड के बारे में लिखा है, यही जो है ये ऐसा लिखे ना कि खाली कंफ्यूजन ही क्रिएट हो रहा है बच्चों, तो ये बीएड के बारे में बोले कि अगर आपका बीएड का एग्जाम 31/8/2023 से पहले हो जाता है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो यही चीज तो सीटेट जो जुलाई वाला होने वाला इसके साथ भी हुआ क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन तो 31/8 से पहले कंप्लीट हो गया, जाहिर सी बात है, तो इनडायरेक्टली ये कहा जा सकता है ये होना चाहिए, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग इस पर बात उठाते हो बीपीएससी से पूछते हो तो जरूर इसका क्लेरिफिकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिया जाएगा, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये भी एलिजिबिलिटी हो सकती है आपकी। अगली बात, यहां जो लिखा है समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा पार्श्व भाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक 1 से 5 पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। अब यही से लोग कह दे रहे हैं कि जो बीएड किया हुआ है, जो बीटेक किया हुआ बच्चा है, चाहे जो बीसीए हैं, जो टेक्निकल हैं,
ये आपके एक से पांच तक के वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे। क्या ये आपको उचित लग रहा है? आगे लिखा है किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित, किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट जो आईआईटी से किया, आईआईटी सोसाइटी और किसी ट्रस्ट का नहीं होता है, गवर्नमेंट का है। आप यूजीसी से अप्रूव्ड किसी विश्वविद्यालय से बीटेक किए हैं तो वो आपका किसी सोसाइटी और ट्रस्ट का नहीं है। सोसाइटी ट्रस्ट के कुछ ऐसे तकनीकी शिक्षा होती है जो कोर्स होता है एक दो तीन साल का, उसके लिए बोला गया है। जो इनके कहने का अर्थ है, अगर इन्होंने बीटेक के लिए बोला है तो यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीटेक एलिजिबल होना चाहिए प्राइमरी के लिए, और इसके लिए आप आवाज उठाओ, बोलो आयोग से। और जो ये लिखा गया है इस पॉइंट से तो यही निकलता है, अंतिम लाइन यही कहता है कि किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित, जैसे कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जो आपके पर्टिकुलर किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के द्वारा कराई जाती हैं, डिप्लोमा का कोर्स हो गया, इस प्रकार के जो कोर्स होते हैं, जो तकनीकी कुछ कोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कोई डोएक सोसाइटी हो गया, डोएक सोसाइटी से, एक डोएक सोसाइटी है, ए लेवल कोर्स 3 साल का होता है, तो उसको हम ग्रेजुएशन नहीं मानते हैं, बच्चा समझ रहे हो, उसको हम ग्रेजुएशन नहीं मानते हैं, वो तकनीकी कोर्स है। तो यही है कि ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले अलाउ नहीं है। आप, मेरा यही मानना है कि आप लोग जब फॉर्म फिलिंग होगा फॉर्म फिल करना, और अभी 15 तारीख से होगा तो इससे पहले कहीं ना कहीं इनको इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा आयोग के चेयरमैन को कि भैया इस पॉइंट को क्लियर करें। और जो लोग बिहार में है भाई, पटना में है, वहां पर जाइए और इस पॉइंट को क्लियरिफाई कराइए कि क्या सही है क्या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग जो है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, बता पा रहा हूं आप लोगों को, और लोगों से जब राय लिया हूं तो मुझे यही लगा है कि नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में प्राइमरी टीचर के लिए, चाहे कहीं भी भाई, प्राइमरी टीचर के लिए बीटेक को बैन नहीं किया गया है, मतलब बीटेक को हटाया नहीं गया है प्राइमरी टीचर बनने के लिए, यह पता है कि नहीं आप सभी को। तो बिहार में कैसे हो जाएगा? तो इसका अर्थ कुछ लोग गलत निकाल रहे हैं, कुछ यूट्यूबर, जब भाई इसका स्पष्टीकरण नहीं है तो आप बच्चों को भ्रम में मत डालो। आप जितने बच्चे हैं बीटेक वाले वो अप्लाई करना, ठीक है, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं आयोग से आप लोग स्पष्टीकरण आरटीआई के थ्रू मांग लो, और जाके जो लोग बिहार में है पटना में वो खुद कर लें। एकदम 100% मुझे ये उम्मीद लग रहा है, 90% से ऊपर उम्मीद लग रहा है कि आपका बीटेक अलाउ होगा। यूपी में बीटेक प्राइमरी का टीचर बन सकता है तो बिहार में भी बन सकता है। यहां सोसाइटी की बात की गई है, यह चीज अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से मैं जो बोल रहा हूं ये कंफर्म, आप ये मान के चलो, ये कहीं ना कहीं इस जो लिखा गया है इसका अर्थ जो लोग निकाल रहे हैं, चाहे आप जो निकाल रहे हैं, वो नहीं है। यहां पर मान के चलिए कि अगर 10+2 के साथ अगर आपका 50% है और आपने डीएलएड किया है, ठीक है, डीएलएड किया है तो आप तो प्राइमरी का टीचर बन ही सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी का टीचर आप बन सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा कि, है ना, प्राइमरी का टीचर बन सकते हैं आप, चाहे बीटेक किए हो, चाहे बीए किए हो, चाहे बीसीए किए हो, ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं है यहां पर, ठीक। लेकिन अगर आपने बीटेक के साथ बीएड किया है तो इसको एज ए ग्रेजुएशन डिग्री माना जाता है, एज ए ग्रेजुएशन। ये किसी सोसाइटी के द्वारा और किसी ट्रस्ट के द्वारा नहीं प्रोवाइड, AICTC और UGC अप्रूव्ड संस्थाएं द्वारा आपको दी जाती हैं डिग्रियां, ठीक है, गवर्नमेंट की संस्था है AICTC, कोई प्राइवेट सोसाइटी और ट्रस्ट नहीं है। तो बीटेक के साथ अगर आपने बीएड किया है, मतलब यहां डीएलएड करने के बाद अगर आपने सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। बीटेक बीएड है और आपने अगर सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। आप बीसीए हैं, ठीक है, आपने क्या किया है, बीएड किया हुआ है और सीटेट क्वालिफाई है तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। ये ध्यान रखिए, कोई कुछ भी कहे आपको तो उसको अभी आपको नहीं मानना है, कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है 100%, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि 100% कहीं नहीं बोला गया है, किसी सोसाइटी और ट्रस्ट की बात है तो वहां पे और भी
तकनीकी शिक्षा होती हैं जिनको हम ले सकते हैं, और मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया। आपका ये जान रहा हूं कि सबसे ज्यादा ये डाउट था बच्चों का, बीटेक वालों का, और इसे कहीं ना कहीं आप लोग एक बार जो बीपीएससी है जाके वहां पर पता कर लीजिएगा, चांस है यही है जो मैं बता रहा हूं यही होगा, ठीक है। तो और इससे ये जो दिक्कतें थी ये क्लियर हो गई होगी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। बाकी आप लोग जो लोग प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, प्राइमरी के तैयारी में जुट जाइए। अब ये मत कहना सर जी सीटेट और बिहार टेट, तो वो तो आप जान ही रहे हो कि सीटेट और बिहार टेट यहां पर कि मैंने जो बता दिया कहां गया आपका, हाँ सीटेट हो या बिहार टेट हो, ये भी होता है बिहार टेट का पेपर वन आपको अगर क्वालिफाई किए हो तो वही भी चीज है, बिहार टेट का वन क्वालिफाई किए हो, चाहे सीटेट क्वालिफाई करो चाहे बिहार टेट करो, दोनों बात बराबर है, उनमें से आप कोई भी अगर क्वालिफाई हो तो वो एलिजिबल हो। बाकी जो जुलाई में सीटेट होने वाला है उसके अकॉर्डिंग भी बता दिया, अगर अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाता है सपोज करो तो उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए जो लोग सीटेट जुलाई में देना चाहते हो वो भी फॉर्म भर ही देना, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपका सीटेट का एग्जाम कब है और एक डेढ़ महीने में उसका रिजल्ट भी आ जाता है, तो इसका भी क्लेरिफिकेशन नहीं किया है लेकिन चांसेस हैं, जैसा उसने बाकी के लिए बोला है कि अपियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल हैं बीएड के लिए, वैसे इसका भी तो हो सकता है, मैं यही बोल रहा हूं। लेकिन जो बीटेक के साथ आपने बीएड किया है और सीटेट क्वालिफाई है या बिहार टेट क्वालिफाई है तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं भाई, हर स्टेट में एलिजिबल हैं, तो जाहिर सी बात है। और आपके बीटेक की डिग्री कोई बंदा आईआईटी से करके आया है वो आपका जो एक तरह से बोला जाए गवर्नमेंट की संस्था है, और उसे आप सोसाइटी और ट्रस्ट का बता के बच्चों को गुमराह मत करिए, उन्हें क्लियर नॉलेज हो तब आप बताइए। मैंने कह दिया कि मेरा जहाँ 90% उम्मीद है कि सभी लोग एलिजिबल होंगे बीटेक वाले प्राइमरी के लिए, बाकी हम भी कोशिश करेंगे कि आरटीआई के थ्रू उनसे जवाब क्लेरिफिकेशन मांगे, और आप भी कोशिश जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।